हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है दिल का रिश्ता। जी हाँ, दिल का रिश्ता जो बनता है आपके और हमारे बीच में इन वीडियोस के थ्रू। हम यहाँ बात करते हैं फैशन की, मेकअप की, स्किन रूटीन, स्किन केयर व्लॉग हो जाते हैं, और आज का प्रोडक्ट क्या, यानी कि आज के वीडियो में जो प्रोडक्ट मैं लेकर आई हूँ उसके फायदे क्या है, क्यों इस्तेमाल किया जाए और वो है क्या सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ वहाँ की बातें बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। मैं बता देती हूँ, ये प्रोडक्ट जो है इसे हम 10 मिनट फेशियल एट होम भी कह सकते हैं। अगर आपको जल्दी जल्दी जाना है कहीं और आपका स्किन जो है बहुत डल है, क्लियर नहीं है, मतलब ग्लो खत्म हो गया है, तो ये 10 मिनट का जो पीलिंग फेशियल है आप कहें, यानी कि पीलिंग सॉल्यूशन जो है वो आपके चेहरे पे ग्लो ले आएगा। उसके बाद जो है आप कहीं भी जाएं, आप बाहर ही कुछ। मैं यहाँ बात कर रही हूँ कोरियन जो है, कोरियन भाई, आप कोरियन सीक्रेट्स जो हैं वो तो उनकी क्या बात कहें। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ पिलग्रिम ब्रांड का सीक्रेट ऑफ जूजू आइलैंड, ठीक है। और अब ये क्या चीज़ है, इसे बोलते हैं 10 मिनट फेशियल एट होम। बहुत अच्छा है, सिर्फ 10 मिनट का काम है और आपका काम मतलब हो गया, जल्दी जल्दी वाला काम है। तो अब बात करते हैं कि इसमें है क्या चीज़। इसमें है 25% AHA, 2% BHA एंड 5% PHA। इसे पीलिंग सॉल्यूशन कहा जाता है और ये फ्रेग्रेंस फ्री है और ऑल स्किन टाइप के लिए जो है ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कहते हैं कि ये रिड्यूस करता है ब्लेमिशेस को, क्लियर करता है स्किन को, एक्सफोलिएट करता है डेड स्किन सेल को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्क्रबिंग जो है वो करना अगर आप भूल गए हैं तो ये 10 मिनट फेशियल जो है आपका वो सारा काम कर देगा, जो कि एक फेशियल आपको सैलून जाना पड़ता है और करवाना पड़ता है। बस इसको लगाएं, 10 मिनट के लिए रुकें और उसके बाद पील ऑफ। तो चलिए जी, आप इसके अंदर की बॉटल भी देख लेते हैं और इसके बारे में और भी जो है। तो ये कुछ इस तरीके की डार्क सी बॉटल है और अगर हम देखें प्रोडक्ट जो है, वाओ, ये ना बहुत स्टिकी स्टिकी सा प्रोडक्ट है। तभी ये देखें पीलिंग सॉल्यूशन, अब मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊंगी। चलिए जी, अब थोड़ा नज़दीक से देख लेते हैं। तो नज़दीक से ये बॉटल कुछ इस तरीके से लगती है और 25% जो है इसमें है AHA, 2% BHA एंड 5% जो है PHA, और ये कहते हैं कि ये रिड्यूस करते हैं ब्लेमिशेस को, ये स्मॉलर करते हैं पोर्स को और 88% जो है ब्राइट करते हैं स्किन को। तो इसमें है ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड। अब तो हम बात करेंगे कि ये है क्या। AHA यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड, अब इसे ग्लाइकोलिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये करता क्या है, ये रिमूव करता है डेड स्किन को, रिवील करता है फ्रेश स्किन को, ब्राइटन करता है स्किन को और यूथफुल बनाता है आपकी स्किन को। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं BHA, बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड, जिसे सैलिसिलिक एसिड भी कहा जाता है। ये टारगेट करता है एनलार्ज पोर्स को, एक्ने को, क्योंकि ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी जो है एंड प्लस ऑयल सॉल्युबल प्रॉपर्टीज़ जो कैरी करता है, जो कि पेनिट्रेट करता है डीप इनटू द पोर्स। चलिए जी, अब बात करते हैं PHA यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सिक एसिड, इसे लैक्टिक एसिड कहा जाता है। ये ट्रीट करता है हाइपरपिगमेंटेशन को, जो आपके एनहांस करता है स्किन सेल रीजनरेशन को, हाइड्रेट करता है स्किन को, रिंकल्स को ठीक करता है और रिड्यूस करता है फाइन लाइन्स। तो यहाँ पे जो है मैं अब आपको डेमो करके दिखाने वाली हूँ, पर आप अगर देखें तो हेयर्स को बांध लें क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी है सॉल्यूशन, तो हेयर्स पे चिपक जाएगा। तो चलिए जी, हेयर्स अब मैंने टाई कर लिया है, जल्दी जल्दी फेस को वॉश कर लेना है, कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, और इसे अब हम लगा लेंगे अपने फेस पे फेस पैक की तरह। तो इस तरीके से आप ड्रॉप के साथ, ओ गॉड ये गिर गया, फिर मैंने इसको लगा लिया। अच्छे तरीके से जो है आपको अपने फेस पे लगाना है, ऊपर की तरफ, मतलब जिस तरीके से आपकी स्किन है उसके अकॉर्डिंगली लगाएं। ये देखिए फोरहेड पे भी जहाँ कम लगता है वहाँ भी, और ज़्यादा आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आप लगा के आपको ये 10 मिनट तक लगाना है। अगर आपकी है ड्राई स्किन तो आप इसको 5 मिनट लगाएं, क्योंकि मैंने 5 मिनट लगाया क्योंकि मेरी सुपर ड्राई स्किन थी इसलिए। और अगर आपकी ऑयली स्किन है या नॉर्मल स्किन है तो आप 10 मिनट तक लगा सकते हैं। तो चले जी, यहाँ इस तरीके से जो है मैंने इसको लगा लिया है और अब मैं इसको ड्राई होने दूँगी, लेकिन मैं जल्दी वॉश कर लूँगी विद इन 5 मिनट, क्योंकि मेरी सुपर से ऊपर ड्राई स्किन है। तो उसके बाद जो है आप कोई क्रीम जो आपकी फेवरेट है वो लगाना मत भूलिएगा। तो चलिए जी, टाइम नहीं बीतता है, चलो जी रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने रिमूव कर लिया है, मुझे कुछ चेंजेस, मतलब ब्राइटनेस अगर आप बोले इंस्टेंट, तो मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ मैं ये कहूँ कि मुझे पोर्स में काफ़ी मतलब डिफरेंस नज़र आ रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पोर्स जो है वो श्रिंक हो गए हैं। तो भाई ये बहुत अच्छी बात हुई है। एक बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बिल्कुल नहीं भूलना है वो है कि अगर आपने ये पीलिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया है तो आप उसके बाद सनस्क्रीन लोशन लगाकर ही बाहर जाएंगे, क्योंकि यूवी रेज जो है वो ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है फेस में। तो आप इसके बाद अपने फेस पे कोई भी आपका मतलब जो भी मनपसंद सनस्क्रीन लोशन है वो आप लगा सकते हैं और इसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। अगर आपने मेकअप वेकअप नहीं करना है, मेकअप करना है तो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपने देखा कि इस प्रोडक्ट के फ़ायदे क्या हैं और की इन्ग्रीडियंट्स क्या हैं, और मतलब सिर्फ 10 मिनट का काम है और आपको मिलेगी एक ग्लोइंग क्लियर स्किन। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और वीडियो को कर देना है शेयर, ताकि और लोग भी जो है इस वीडियो को देखकर इस प्रोडक्ट का फायदा ले सके, यानी कि बेनिफिट उनको भी उनकी स्किन भी ग्लो कर सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, लव यू ऑल, बाय। लाइक बटन को क्लिक किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना है।